बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से देखने वालों को वेलकम करेंगे। आज जानने की कोशिश करेंगे कि क्या शेर डर गया, बल्ले का छक्के पर छक्का, एतमाद का वोट क्या आज ही होगा, पंजाब के ऊपर होगा किसका राज, असेंबली का हंगामा खेज इजलास इस वक्त जारी है, परवेज इलाही साहब भी असेंबली फ्लोर पर पहुंच चुके हैं, किसी भी लम्हे में कोई भी बड़ी खबर मुतवक्के है, इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। मगर इसके साथ साथ आज के प्रोग्राम में ममनुआ फंडिंग केस, पंजाब में नंबर्स का जो खेल है इसके अंदर लूट सेल भी है और इमरान खान साहब को रेड लाइन से तशबीह दी भी गई है। देखना ये होगा कि क्या माइनस इमरान फार्मूला काबिले अमल हो पाएगा इस पूरे हमारे सिस्टम के अंदर। और इसके साथ साथ लाहौर का हुलिया बिगाड़ने का जो प्लान था उसको लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला देकर मलियामेट कर दिया है। इस फैसले के अंदर क्या शामिल है, लाहौर का किस तरह से हुलिया बिगाड़ने की कोशिश की जा रही थी, ये पूरी तफसील आमिर साहब अपने तजिये में बताएंगे। और आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर एंकर पर्सन है, सीनियर सहाफी मोहम्मद मालिक साहब भी प्रोग्राम के अंदर मौजूद रहेंगे। उनको भी जिस भी लम्हे हमारे साथ आएंगे उनको वेलकम करेंगे। और पंजाब असेंबली की सूरत हाल पर वहां पर हमारे रिपोर्टर शम्स नवीद भट्टी होंगे जो वहां की सूरत हाल से मुतालिक हमें अपडेट करेंगे। उनकी तरफ जाने से पहले आमिर साहब आपकी तरफ, होने क्या वाला है, क्या वाकई आज सिर्फ मेला सजेगा, लुडियां डलेंगे, घरों को जाएंगे या कुछ होगा? वो फिल्मी डायलॉग नहीं होता कि वो घड़ी जिसके पीछे कई हफ्तों से दिनों से लड़ाई मार कुटाई चल रही, लगता है कि वो आ चुकी है, आन पहुंची है। तो लग रहा है वहाँ पे इस वक्त सूरत हाल तो जारी है और लग ये रहा है कि पहली बात कि नंबर्स अगर जो परवेज़ इलाही साहब के पास हैं तो अगर वो एतमाद का वोट नहीं भी ले पाते, यानी 186 अगर नहीं भी हैं तो भी वो ही चीफ मिनिस्टर रहेंगे, क्योंकि उसके बाद फिर फिलहाल तो उनका ये क्लेम है कि 170 फवाद चौधरी साहब की ट्वीट भी आ चुकी है, वो कह रहे हैं 170 हमारे हैं, 10 उनके मिला के 187 हैं। फिर मगर ये इस तरह की खबरें बताई जा रही हैं कि वो दो लोग या एक लोग, कोई बावलपुर से चल पड़ा है, कोई फलानी जगह से चल पड़ा है, तो मुझे उससे कई दफ़ा ये ऐसे मौक़ों पे कोई बावलपुर नहीं जाता, वो नून लीग वाले तो होटल में ही बंद कर देते हैं, तो या शहर का उसका रखा जाता है, या ये जिम्मेदारी का एक नज़र आ रहा था कि आज ही तो कल ये होना है। तो देखें, फ़र्ज़ करें वो अगर तो वो 86 ले लेते हैं, 186, फिर तो वही मामला ख़त्म होता है। अगर वो नहीं भी ले पाते तो भी इस बात का कभी इम्कान है कि चीफ मिनिस्टर परवेज़ इलाही ही रहेंगे उसके बाद, क्योंकि अगर 186 नहीं है तो वो ही चीफ मिनिस्टर रहेंगे और वो एज कई मुकाम चीफ मिनिस्टर जो है फौरी तौर पे दोबारा इलेक्शन होगा चीफ मिनिस्टर का, और उसके अंदर दोबारा 186 अगर कोई नहीं ले पाएगा तो फिर एग्जिस्टिंग हाउस, लेट से किसी के पास 182 है, इनके पास नून लीग के पास 179 है, तो 182 वाला भी जीत जाएगा, जीत जाएगा। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि परवेज़ इलाही ही चीफ मिनिस्टर हर सूरत में रहेंगे, कि जो नून लीग का अपने क्लेम्स हैं जो बताए जा रहे हैं, तातारड़ तो नाम ले लेके बता रहे हैं, और राणा सनाउल्ला भी कह रहे हैं कुछ लोग बाहर चले गए, हमने FIR, वो भी 5 से ज़्यादा का नहीं बता रहे, 5-6 से काम नहीं बनता, क्योंकि उनको कम अज़ कम 10-12 लोग चाहिए हैं कि अगर उन्होंने परवेज़ इलाही को हटाना है। एक तो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज अगर ये प्रोड्यूसर साहब दिखा सकें, उससे भी पता चल रहा है कि भाई ये विक्ट्री के निशान बना रहे हैं, असद उमर वगैरह अपनी जो यहाँ से वफाकी की आदत जो वहाँ गई हुई है वो यूँ विक्ट्री के निशान है, ये सनाउल्ला साहब की जो बॉडी लैंग्वेज है ये तो खैर हाईकोर्ट के बाहर किया है, अंदर वो बैठे मतलब परवेज़ इलाही साहब की बॉडी लैंग्वेज कुछ ज़्यादा हमें कॉन्फिडेंट नहीं वो नज़र आ रहे जो मेरे हमारे फुटेजेज इस पंजाब असेंबली के फ्लोर से आ रही हैं। नहीं, वो इस वक्त जाहिर है, इस वक्त ये एक परेशानी होती है, इस वक्त सारे ही लोग बैठे गिनतियाँ कर रहे होते हैं, कोई दिमाग में कर रहा होता है, कोई एक्चुअली कर रहा होता है, तो जब तक ये हो नहीं जाता तो एक जिम्मेदारी तो होती है, बहुत स्टेज पे है, स्टेज पे है, मालिक साहब हमारे साथ आ गए हैं, मालिक साहब की इजाज़त से हम अगर लाहौर में पहले सिचुएशन ग्राउंड पे पता कर लें अपने रिपोर्टर शम्स नवीद भट्टी साहब के पास जो कि ऑलरेडी इस वक्त पंजाब असेंबली के बाहर खड़े हुए हैं, मालिक साहब भी सुन लेंगे, फिर मालिक साहब उस पर तबसरा कर सकेंगे। जी भट्टी साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी जी आमिर साहब आ रही है। जी अभी भट्टी साहब हमें आप ज़रा बताएं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है वहाँ पे, माहौल क्या है, नंबर्स गेम क्या है और किस बात का इम्कान है? जी बिल्कुल, पंजाब असेंबली में आमिर साहब बड़ी ड्रामाई सूरत हाल,
बनी हुई है, हंगामा खेज इजलास जारी है। जब दोपहर को इजलास शुरू हुआ तब भी ओपोजिशन ने नारेबाजी शुरू कर दी थी, हंगामा राय शुरू कर दी थी। ओपोजिशन ने नारेबाजी शुरू कर दी थी कि एतमाद का वोट लो। तब स्पीकर ने कहा था कि जब हमें अदालत कल कहेगी तब हम एतमाद का वोट लेंगे, लेकिन हंगामा राय काफ़ी ज़्यादा होगी जिस वजह से स्पीकर ने इजलास मुलतवी कर दिया। उसके दो घंटे बाद इजलास दोबारा शुरू हुआ तो फिर स्पीकर ने कहा कि एतमाद का वोट लिया जाएगा। पीटीआई की क्यादत ने भी दावे कर दिए कि हमारे नंबर्स पूरे हैं। फवाद चौधरी, असद उमर, हमाद अजहर, इन सब ने ट्वीट्स कर दी कि हमारे नंबर 187 पूरे हैं, लेकिन जब हमने अपने ज़राए से पता किया तो उनका कहना था कि 185 नंबर्स पीटीआई के पास हैं। इस वजह से ही अभी तक पीटीआई की क्यादत रुकी हुई है, एतमाद का वोट नहीं ले रही। असद उमर, फवाद चौधरी वगैरह इस वक्त असम्बली के अंदर हैं, वो दावे कर रहे हैं कि हम एतमाद का वोट आज ही लेंगे। जबकि अगर नून लीग की बात की जाए तो नून लीग की क्यादत भी पुरतमाद दिखाई दे रही है। उनका कहना है कि इनके नंबर्स पूरे नहीं हैं, इनके कई एमपीएस लाहौर में नहीं हैं, वो वोट इनको नहीं देंगे। जब हमारे इस सिलसिले में हुसैन इलाही जो काफ लीग के एमएनए हैं उनसे बात हुई तो उनका कहना था कि हमारे नंबर्स पूरे हैं, ओपोजिशन वाले भाग ना जाएं। हुसैन इलाही ये कह के रवाना हो गए, फिर दो मिनट बाद वो दोबारा वापस आ गए। उनका कहना था कि हम एतमाद का वोट आज ही लेंगे, लेकिन अभी तक ये कन्फर्म नहीं किया जा रहा कि एतमाद का वोट लिया जाएगा कि नहीं। नून लीग की क्यादत हो चाहे पीटीआई की क्यादत, वो अपने अपने फतह के दावे कर रही है। राणा सनाउल्ला भी इस वक्त असम्बली के अंदर मौजूद है, मलिक अहमद खान साहब भी असम्बली के अंदर मौजूद हैं, बल्कि पंजाब असम्बली के बाहर नून लीग और पीटीआई के कारकुनों ने नारेबाजी भी शुरू कर दी। दोनों कारकुनों ने यही कहा है कि हमारा वजीर आला आएगा, हमारा वजीर आला आएगा, जबकि सिक्योरिटी ने उनको साइड पर हटा दिया। इस वक्त हालात नॉर्मल हैं, हंगामा आरई नहीं हो रही। इस वक्त वक्फा भी आ चुका है आधे घंटे का। जी बेटी साहब हमारे साथ रहिएगा, मैं मालिक साहब से बात करना चाहता हूँ। मालिक साहब ये बताएं कि अभी जो ये कह रहे थे कि दोनों पार्टी जो हैं पूरे तमाद हैं, मगर अगर नून लीग पूरे तमाद होती तो वो जिस तरह उन्होंने कोरम के लिए पहले निशानदेही की, फिर उन्होंने इजलास जो है बर्खास्त करने की, मनसूख करने की दरख्वास्त दी, अगर नंबर्स पूरे होते उनको लगता कि वो जीत जाएंगे तो ये क्यों करते? नहीं, आई एग्री विद यू, नंबर्स की है, लेकिन मुझे याद है हमें जब हम जवान थे थोड़े से तो हम लोग रिपोर्टिंग करते थे जाके ऐसे ही, तो हम लोग तो खुद गिनते थे कि कितने एमएनए से आए हैं, कितने क्या नहीं हुए। मुझे काउंटिंग में बावसूख जराए की समझ नहीं आती क्या ज़रूरत है। यू कैन काउंट, जब आप काउंट करते हैं तो एक रफ आइडिया तो हो जाता है बिकॉज लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ये नंबर्स थे तो अब जिस तरह खुर्रम लगारी का भी मैसेज चल रहा था, वीडियो भी चल रहा था, उन्होंने कहा कि मैं वोट नहीं कर रहा, तो चार लोग वो हैं, सात आठ लोगों का ये लोग क्लेम कर रहे हैं बड़े वसूख से कि वो लोग नहीं आएंगे, वो नहीं हैं। सो 12-13 का फ़र्क नज़र आ रहा है, अगर वो 8-9 वाली बात भी सही हो। सो आई थिंक दोनों साइड्स बड़ी केजी हैं इस वक्त, और ये जो जब आप सेशन इतना लेट चलाते हैं यहाँ से आपको लगता है कि वो उनकी कॉन्फिडेंस लेवल हायर है पीटीआई का, वरना इतना रात गए तक सेशन चलाने की वजह से कोई लॉजिक समझ नहीं आती। मैं जब अपना शो कर रहा था तो उस वक्त यही बता रहे थे, शम्स ही बता रहे थे कि इन लोगों को उन्होंने बताया कि जी वो हमारे यासिर आ रहे हैं, तो वो अगर आएंगे हमारे 185 हो गए में, वो अगर आएंगे तो 186 हो जाते हैं एंड वो हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेंगे। तो ये तो खैर शेख रशीद साहब भी थे प्रोग्राम में, उन्होंने भी कहा कि जी आज रात को एक्सपेक्टेड है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाएगा। तो कॉन्फिडेंस लेवल तो इस वक्त पीटीआई और पीएमएलक्यू अलायंस का बड़ा हाई है, लेकिन इतना लंबा क्यों चल रहा है? अगर आपके पास नंबर्स हैं तो फिर अब तक हो जाने चाहिए थे, अब 10 बज गए हैं, ये दोपहर का सेशन चल रहा है, पहले जो मगरिब की नमाज थी शायद वो आई थिंक शम्स ही बता रहे थे मेरे प्रोग्राम में कि आधे घंटे की ब्रेक थी जो कि 2-2.25 घंटे चली, ऑब्वियसली कोई रनिंग अराउंड हो रही होगी नंबर्स की। सो इट्स अ टफ कॉल बिकॉज आज जो कोर्ट में अगर आप जजेस की बातें सुने तो वहाँ से तो ये नज़र आ रहा था कि कोर्ट अल्टीमेटली रूल करेगी कि आपको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है, एंड आई थिंक ये चाह रहे हैं कि अगर आज फेट कंप्लीट हो जाए तो सुबह जाके ये असेंबली तोड़ सके, बिकॉज अगर कल का इंतज़ार करते हैं, बिकॉज आपको कोर्ट का भी इंजंक्शन ऑर्डर है
इस वक्त की अगर आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले भी लें तो आज ये नहीं कर सकते, बिकॉज कोर्ट की कल हेयरिंग तक उन्होंने इंजंक्शन किया हुआ है कि ना ये असेंबली तोड़ सकते हैं ना गवर्नर साहब की और एक्शन ले सकते हैं। सो आई थिंक अब तो कुछ घंटों की बात है, गेम खुल जाएगी। असल चीज़ तो ये है कि अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है और कल ये असेंबली तोड़ देते हैं फिर क्यों होएगा? असल तो बाद में शुरू होगा, खास तौर पे जो मैं उस तरफ भी आपका ये बात करते हैं। मालिक, एक तो मजेदार खेस बात ये है कि वो कह रहे हैं कि जी एक आदमी है वो बावलपुर से एमपीए चल पड़ा है, ऐसे मौकों पे बावलपुर में जाके कौन बैठता है, पहली बात। मगर दूसरी तरफ ये भी है कि नू लीग के एक तो जो कैंडिडेट हैं वो हमजा शहबाज शरीफ भी नहीं है और उनके बड़े लेम एक्सक्यूजेज हैं कि तबीयत खराब थी और ये था वो था। आपका कैंडिडेट कम से कम वहाँ पे होता है और आपका जो चीफ मिनिस्टर पहले साबिक राब है और जिसको आप बनाना चाहते हैं, जब वो नहीं होता तो उससे भी एक सवाल उठ जाते हैं कि नून लीग के ये वाले। दूसरा जो आप कह रहे थे कि जो उनके क्लेम्स हैं कि सात आठ लोग मिसिंग है, अगर वो मिसिंग भी हो जाएं तो रन ऑफ के अंदर जो है एग्जिस्टिंग हाउस में से इनको 11-12 चाहिए हैं लोग कम से कम जो है, और भी चीफ मिनिस्टर जो है वो परवेज लाई ही नजर आते हैं। नहीं नहीं, रन ऑफ में ये होगा मेजॉरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। अगर उस तक वोटिंग जब होती है, जाहिर है वो स्पीकर है उसी वक्त वोटिंग कॉल कराएगा जब उनके बंदे पूरे होंगे, वरना उसमें नंबर कोई भी नहीं है। उसमें टेक्निकली अगर उस वक्त हाउस के अंदर वोट कॉल हो जाए रन ऑफ के अंदर और 150 बंदा बैठा हुआ है तो 80 वाला भी जीत जाएगा। इट इज मेजॉरिटी ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग, नॉट अ सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द हाउस। सिंपल मेजॉरिटी तो आपकी 186 वाली है, अगर वो शर्त कोई कैंडिडेट पूरी नहीं करता तो फिर आपका प्रेजेंट एंड वोटिंग है और वो इनका ख्याल है कि हम उसके अंदर हमारी गेम बन सकती है, बिकॉज वहां पे अगर कोई अब्सटेन कर रहा है तो बड़ा वो क्रिटिकल एब्सटेंशन होंगी, बिकॉज उसमें आपको कोई नंबर मीट नहीं करना, आपने सिंपली जो लोग हाजिर हैं हाउस में उनकी मेजोरिटी लेनी है आपने, तो उसमें कोई मैजिक फिगर नहीं है। दैट इज व्हाई दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग। वो बिल्कुल इस बात में तो आप सही कह रहे हैं, मगर वो ये इस बात का अंदाजा कि कितने लोग हैं, जब ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे तो उसी वक्त पता चल जाएगा कितने लोग हैं जो उसके लिए वोट देंगे। बड़ा कम इम्कान है कि वो फिर बाद में एब्सटेन करेंगे या बाद में वोट नहीं देंगे या घर चले जाएंगे, इस बात का काफ़ी कम इम्कान है। हमें बताया जा रहा है कि परवेज अलाई साहब अब जो है हाउस में आ गए हैं तो ये शायद मामला शुरू हो जाए, पर मालिक ये इतलाएँ आ रही हैं काफ़ी ज़्यादा कि इस बारे में कि तहलील फौरी ना करने पर सोचा जा रहा है और परवेज लाई के ज़ाहिर है वो भी नहीं चाहते और बेताशा एमपीए कोई भी एमपीए नहीं चाहता कि ये जल्दी तहरील हो, और वो ज़ाहिर है फिर बहाने किए जाते हैं कि जी देखें वहाँ पे कराची में लोकल बॉडी आ रही है, फिर ये कहा जाता है कि जनाब काफ़ी सारे डेवलपमेंट काम रुके हुए हैं, ये लेजिस्लेशन कर लें वो कर लें, फिर ये भी कहा जाता है कि ये एक सिचुएशन भी है कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी इस बात का इम्कान है कि इनकी मर्ज़ी की नहीं आएगी। ज़ाहिर है पंजाब के अंदर एक अपोजिशन वाले नाम देंगे, ये नाम देंगे, अगर आपस में फैसला नहीं होता तो इलेक्शन कमीशन के पास नाम जाएगा, और इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन का मूड है कोई वो फेवरेबल नहीं है पीटीआई के हक में, तो उस सूरत में जो ऑलरेडी ये 2-3 माह तक जो मारकुटाई आगे भी पहले ही वफाक और सूबों में चल रही है तो लोग डर रहे हैं कि जहाँ अभी तो हमारे पास दो रिफ्यूज हैं, एक पंजाब भी है और केपी भी है, या तो केपी की असम्बली रख लेंगे, पर इस बात का काफ़ी इम्कान अब बताया जा रहा है, जो इशारे आ रहे हैं कि वहाँ पे तहलील फौरी ना करने पे काफ़ी गौर व फिक्र हो रहा है। अमित, पहली बात तो ये है कि अब जो खान साहब के स्ट्रेटेजिक एडवाइजर्स हैं क्लोज तरीन, उनमें से प्रोविंशियल असेंबलीज में कोई भी नहीं बैठा हुआ, ना केपी में ना पंजाब में, और ये बड़ा आपका जाविया देखने का तब्दील हो जाता है जब आप उस हाउस के मेम्बर ना हो, आपके पॉलिटिकल इंटरेस्ट आपके पॉलिटिकल एम्बिशंस एक दूसरे प्लेन के ऊपर होते हैं। सुनने में आप इसको डिसमिस भी कर सकते हैं बात को, लेकिन जब एक बंदा एक दूसरे हाउस का मेंबर होता है ना, वो सोच उसकी थोड़ी सी और होती है, और आप देखेंगे वो बड़े तहलील के हक में। कल की जो इनकी मीटिंग हुई थी उसकी इतला ये है, कल भी और आज भी, कि बड़ा स्ट्रॉन्ग अब खान साहब को कहा जा रहा है कि अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लें तो हमें तहलील कर देना चाहिए, तभी प्रेशर बनेगा। मैं आज खान साहब की बड़ी इंपॉर्टेंट देख रहा हूँ स्टेटमेंट जो खान साहब की आ जाइए, उन्होंने उस पर आज कहा है कि मेरे लोगों को फ़ोन करके कहा जा रहा है
कि जी रेड क्रॉस लग गया है, हमने लाल क्रॉस कर लिया हुआ है, तो मैं अब रेड लाइन मिटा के दिखाऊंगा। अब वो पॉइंट आ रहा है कि अब खान साहब को ये नज़र ही आ रहा है कि अब उनका कॉन्फ्लिक्ट डायरेक्ट नवाज शरीफ एंड कंपनी से नहीं है, अब इनका कॉन्फ्लिक्ट होगा इंस्टीट्यूशन के साथ। इंस्टीट्यूशन में जो जो की डिसीजन मेकर्स हैं, आमिर वो आपके आर्मी चीफ हैं, DGC हैं, आपके CGS हैं, DGI हैं, ये तीन चार शख्सियात तमाम वो हैं कि जो खान साहब के फरमे के मुताबिक आर नॉट नेसेसरली फ्रेंडली फोर्सेस, ओवर्टली फ्रेंडली फोर्सेस, उनको वहाँ से कोई चीज़ मिल नहीं रही। और अब आपने देखा है कि जो कल तक बहस चल रही थी कि जनरल बाजवा इज़ गुड इंस्टीट्यूशन, जनरल बाजवा इज़ बैड इंस्टीट्यूशन इज़ गुड, आज वो सीधा इंस्टीट्यूशन को टेक ऑन उन्होंने कर लिया, उनको नज़र आ रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट होगा और अब वो उस बड़े कॉन्फ्लिक्ट तक जा रहे हैं। मैं उस चीज़ को देख रहा हूँ उस पराए में, और कि उसमें परवेज़ लाइबरा का क्या रोल होगा, उसमें आगे ये कि कहाँ चीज़ चलेगी। बिकॉज आपने एक बिल्कुल बात ठीक पॉइंट आउट की कि जब ये बात पहले खान साहब को बताई थी खुद परवेज़ लाई साहब ने कि देखें अगर आप तहलील करेंगे लाहौर में जो आपकी सेफ्टी है, जो आपकी पेशावर में सेफ्टी है, फेडरल गवर्नमेंट आपको अरेस्ट करने के चक्कर में है, वो ख्वार करेगी तो आपकी सेफ रेफ्यूज कहाँ मिलेगी आपको। और ये एक बड़ा एक हैवी फैक्टर है जो खान साहब इसको देखते हैं। बट हैविंग सेड दैट, एक चीज़ तो क्लियर है कि इन लोगों ने तय किया हुआ है फेडरल गवर्नमेंट ने कि इन्होंने अर्ली इलेक्शंस नहीं मानने, चाहे दो असेंबलियाँ छोड़ें, छः की छः असेंबलियाँ डिसॉल्व हो जाएं। और ये जब जनरल बाजवा ने आखिरी दिनों में कुछ प्रेशर भी डाला था नवाज शरीफ एंड कंपनी पे कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए अर्ली इलेक्शंस का, तो वहाँ से पैगाम लंदन से इन लोगों को बड़ा क्लियर मिला था कि जी तुम गवर्नमेंट गाड़ियाँ डिगा दियो, वी आर नॉट गोइंग टू डू इट। वो तो चाहेंगे, उनको तो अब भाना चाहिए कि वो हो। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आप सुन रहा हूँ इस्लामाबाद में, पिंडी के अंदर इस्लामाबाद में, कि जी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस मुल्क में पता नहीं कब आएगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हमने हर कीमत पे पहले करनी है। सो खान साहब को अब नज़र आ रहा है कि सीरियस पॉसिबिलिटी है नेशनल असेंबली की एक्सटेंशन की। इसलिए जो आप बात कर रहे थे ना कि ये सोचते हैं कि दोनों असेंबली तहलील करें या ना करें, ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि अगर हम ये दोनों असेंबलियाँ तहलील करके बैठ जाते हैं और वो प्रेशर एग्जर्ट नहीं होता जो इनका ख्याल था कि होगा, तो फिर क्या होगा। और ये असेंबली नेशनल असेंबली अपने आप को 6 माह 10 माह आगे ले जाती है, देन व्हाट हैपेंस। ये बड़े सीरियस इश्यूज हैं क्योंकि इस पे बड़ी सीरियस थिंकिंग जा रही है। अरेस्ट की बातें भी सर सोचा जा रहा है कि अरेस्ट में क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, कितना सड़कों पर आग लगेगी। दूसरी तरफ भी एक्सट्रीम मेजर्स सोची जा रही है। तो ये खाली इतना सिंपल चीज नहीं रहेगी डिसोल्यूशन ऑफ असेंबलीज। दोनों साइड्स अब अपनी फाइनल राउंड में आ रही हैं, तो दोनों एक्सट्रीम मेजर्स देख रही हैं। मेरे ख्याल से सर्वत ब्रेक लेने जा रही हैं, तो भट्टी साहब आप भी हमारे साथ रहिएगा, मालिक साहब आप भी रहिएगा, इंशाल्लाह ये गुफ्तगू ब्रेक के बाद करते हैं। बिल्कुल, एक छोटी सी ब्रेक, ब्रेक से वापस आके यहीं से कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में हम खुश आमदेद कहेंगे। आमिर साहब, कुछ इस किस्म की खबरें आ रही हैं कि आज सिर्फ जो है वो नंबर शो किए जाएंगे, एतमाद का वोट नहीं लिया जाएगा। इस पर मैं आपका तजिया लेती हूं, मगर इस वक्त हमारे जो रिपोर्टर शम्स नवीद भट्टी असेंबली के बाहर मौजूद हैं, हमें रिपोर्ट कर रहे हैं, उनकी तरफ चलते हैं। भट्टी साहब, मुझे ये बताएगा कि इस वक्त सूरत हाल वहाँ पर क्या नजर आ रही है। कुछ मेंबर्स के हवाले से, खासतौर पर जो आमिर साहब ने बहावलपुर वाले मेंबर के हवाले से इशारा दिया था, उनको लाया जा रहा है या वो खुद आ रहे हैं, पहुंच गए या नहीं पहुंचे, क्या सूरत है? रिक्शे पे आ रहे हैं कि पैदल आ रहे हैं, ये चेक करें जरा। ऊंट पे आ रहे हैं, बावलपुर से ऊंट पे आ रहे हैं। आमिर साहब, ये तो लाने वालों को पता है कि वो किस तरह उनको लेके आ रहे हैं। संजीदा बात नहीं, ये बताइएगा कि अभी खबरें आ रही हैं कि आज पेश, आज इत्मीनान का वोट नहीं लिया जाएगा, सिर्फ नंबर्स दिखाए जाएंगे, तो क्या सूरत हाल है वहां पे? जी, अभी से कुछ ही देर कबल वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही असम्बली पहुँचे हैं। उन्होंने
तमाम अरकान असम्बली से वो मिले हैं। इस वक्त वक्फा चल रहा आधे घंटे का, तो उसमें प्लानिंग की जा रही है कि अगला लाए अमल क्या अपनाया जाए। पहले तो पी टी आई की क्यादत कह रही थी कि हम आज ही एतमाद का वोट लेंगे, परवेज लाई जब असम्बली आएंगे तो हम एतमाद का वोट ले लेंगे, लेकिन अब ये बाजगश्त की जा रही है कि शायद आज अक्सरियत शो की जाए, एतमाद का वोट ना लिया जाए। इस हवाले से भी प्लानिंग कर रहे हैं, किसी भी नतीजे पर नहीं पहुँची पी टी आई की क्यादत। फवाद चौधरी भी इस वक्त असम्बली में मौजूद हैं, असद उमर, जुल्फी बुखारी सब असम्बली के अंदर मौजूद हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि आज एतमाद का वोट लेना है कि नहीं। दूसरी जानिब नून लीग की क्यादत भी पंजाब असम्बली के अंदर मौजूद है, राणा सनाउल्लाह मौजूद हैं, मलिक अहमद खान मौजूद हैं। बात करते हैं वहाँ की सूरत हाल पर, लेकिन आमिर साहब ये क्या बात है, अगर नंबर्स उनके पास पूरे हैं, नंबर्स शो करने, तो ले लें एतमाद का वोट, खत्म करें इस बात को। अगर जो ये वो करते हैं कि एतमाद का वोट नहीं लेते और 186 नंबर वो शो कर देते हैं, तो उसके सिर्फ एक मतलब होगा कि वो ये पैगाम देना चाहते हैं कि जनाब हमने गवर्नर के हुक्म को नहीं माना, उसको हम गैर कानूनी मानते हैं, तो वो ये अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ भी शो कर रहे हैं और उसको लीगल कवर नहीं दे रहे, एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे, वेटेज नहीं दे रहे कि जनाब ये गलत कदम था, ये इस तरीके से नहीं गवर्नर साहब कह सकते थे, तो कल वहाँ जाके अदालत में ये कहेंगे और ये ताकि आइंदा के लिए भी ये मिसाल ना बने और अदालत के लिए भी कल ये फैसला है कि जो भी वो देंगे वो इस दफ़ा के लिए नहीं होता, वो हमेशा के लिए होता है। जिस तरह वटू साहब का जो पुराना केस है वो आज तक कोर्ट किया जाता है कि जनाब ग्राउंड्स भी होनी चाहिए, एक रीज़नेबल टाइम भी होना चाहिए, तो अदालत को कल ये सारे पिछले मसाले भी देखनी है और ये भी देखना है कि इसके अंदर कोई नई मसाल तो नहीं बनेगी। तो मेरा ख्याल इसके अंदर वो लीगल अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाह रहे हैं और मेरा ख्याल अगर उनके पास 86 हैं और वो कॉन्फिडेंट हैं कि वो आज 186 हो सकते हैं तो कल भी 186 हो जाएंगे, या हो सकता है वो जो बावल भरे वाले पहुँच जाएँ 187 हो जाए, या ये 186 दे के वो जो बाकी भी दो चार इधर उधर दौड़ते फिर रहे हैं वो भी 188 भी हो सकते हैं। तो एक ये है कि वो 186 से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद उनकी ज़्यादा भी हो। दूसरा जो इससे अखज किया जा सकता है वो ये है कि वो ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि जनाब गवर्नर साहब का जो जो हुक्म है वो गलत है और हम नहीं मानते उसको। ठीक है, मालिक साहब से भी आप जी मालिक साहब मेरा आप इससे एग्री करते हैं मेरे इस तजिए से? अमर मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, मैं सिंपली इसमें एक भी चीज़ और ऐड करना चाहता हूं। एक तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि वो लीगल पोजिशन भी वो रखना चाहते हैं कि हम उनका नहीं मानते, उनके पास राइट नहीं है इस तरह टाइम देने का, अगरचे रूल्स के मुताबिक गवर्नर टाइम भी देता है एनी वे। लेकिन ज़्यादा आपने खुद भी आगे बात की थी कि एक बड़ी बहस चल रही है कि डिसोल्यूशन क्या इस वक्त करनी चाहिए, कितने दिनों में करनी चाहिए। अगर ये आज नंबर्स होने के बावजूद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लेते और नंबर्स हों भी, तो कल जब फैसला आता है कोर्ट में और कोर्ट इनको कहती है कि नहीं जी हमारा हम तो रूल ये कर रहे हैं कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, तो फिर कोर्ट को इनको एक डिसेंट टाइम देना पड़ेगा। अब वो वटू साहब वाले केस में 10 दिन एक सॉर्ट ऑफ बन गया था कि, और वैसे भी नॉर्मल भी जब आप कहते हैं कि रीजनेबल टाइम इज डीम्ड 7 वर्किंग डेज, हर चीज़ में एक रीजनेबल ऑफिशियल टाइम समझा जाता है। तो अगर ये आज नंबर शो कर देते हैं तो एक तो ये है कि जी एक मॉरल विक्ट्री आ जाती है, इनके इनके बंदे और मजबूत हो जाते हैं कि देखें हमारे पास नंबर्स हैं, फिर कोर्ट में जाएंगे ये फिर भी कोर्ट से 7 दिन या 10 दिन लेंगे ताकि असल चीज़ ये डिसाइड होगा। बिकॉज अगर आज ये ले लेते हैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, फिर सुबह कोर्ट के पास जाके इनके पास कोई बहाना नहीं होगा कि कल डिसॉल्व क्यों नहीं कर रहे, बिकॉज देन दे हैव टू डिसॉल्व, बिकॉज कोर्ट ने तो कहा था आप ले लें, उसके बाद आपको खुली छुट्टी, आप डिसॉल्व कर दें। अगर आज आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेंगे तो फिर आई थिंक इन पर ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा, मॉरल प्रेशर और एक उस डिसीजन का प्रेशर जो खान साहब ने कहा था कि जिस वक्त हुआ हम साथ ही उड़ा देंगे, मिनट्स के अंदर हम असेंबली उड़ा देंगे। आई थिंक प्रॉबेबली दे वुड लाइक मोर टाइम कि अगर हम सुबह कोर्ट में जाते हैं और वहाँ बात होती है तो 6-7 दिन हम उसको भी देख लें और सोच लें। और पॉलिटिक्स में टाइमिंग ही सब कुछ होती है, उनको क्या जल्दी है, कह तो दिया हुआ है, लेकिन अगर वो ये फैसला 4 दिन बाद भी करते हैं तो कोई क़यामत तो नहीं आएगी। वो इसको ये बड़ा ही ये खास साहब का आखिरी पत्ता है प्रेशर टैक्टिक का। उन्होंने आज कहा है कि अगर जैसे मैं 1-2-4 हफ्तों में ठीक हूँगा तो मैं सड़क पर हूँगा, एहतजाज पे होगा, लेकिन एहतजाज तो वो 7 माह से कर रहे हैं। सो अब अगर वो ये आखिरी तुरप का पता फेंक देते हैं, दोनों असेंबलीज भी डिसॉल्व कर देते हैं, तो खास साहब के ये जो कहते हैं ना क्विवर में ये माइट बी द लास्ट एरो, तो ये बड़ा सोच समझ के वो करना चाहेंगे। और अगर इसमें इनको कोर्ट के थ्रू भी 5-6 दिन मिलते हैं तो आई डोंट थिंक दैट्स अ बैड स्ट्रैटेजी। सो जो आपने बात की है वो भी पूरी हो जाती है कि लीगल मैसेज भी चला जाता है।
कि हम उस ऑर्डर को नहीं मानते, वहाँ पर नंबर है, लेकिन आई थिंक उससे ज़्यादा ये होगा कि फिर कोर्ट के अंदर जाके भी ये कहेंगे ठीक है हम ले लेते हैं, कोर्ट के या वोट ऑफ पावर लें तो कहेंगे हाँ हम कोर्ट के हुक्म पे हम ले रहे हैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, उसके लिए कोर्ट से टाइम लेंगे, वो भी 6-7 दिन मिलेंगे। सो आई थिंक दे विल बी एबल टू फाइन ट्यून देयर स्ट्रेटजी, बिकॉज जो आज खान साहब का बयान आया है जिसको मैं पहले ही बात कर रहा था आमिर, आई थिंक कि हम अब एक डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन की तरफ जा रहे हैं खान साहब की और इंस्टीट्यूशन की, और अगर ये फैसले हुए हुए हैं कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के होते हुए भी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ सकती है, जो मेरी समझ से बाहर है, आई डोंट एग्री टू दैट व्यू पॉइंट, लेकिन अगर एक व्यू पॉइंट है ऑफ पावर्स दैट बी, तो फिर ये एक बड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग व्यू पॉइंट है और ये हालात कहीं भी जा सकते हैं, थिंग्स कैन ईजली गो साउथ। सो मेरा ख्याल है खान साहब भी ज़रा इसको डेफिनेटली रीथिंक करके और 200% श्योर होकर आगे चलना चाहेंगे। मालिक, आपकी बात में बड़ी मंतक है कि ये अगर तहलील में टाइम चाहते हैं या पोस्टपोन करना चाह रहे हैं तो ये एक तरीका है जिसके ज़रिए ये तहलील को ज़रा डिले कर सकेंगे और ये बुरा नहीं लगेगा, और इसलिए भी ये इसके अंदर और भी मंतक है कि मेरी ये खबर है कि काफ़ी सारा एक एजेंडा है, काम है, धड़ाधड़ फाइलें हैं जो कि निकाली जा रही हैं, और ये आज आपको बताया कि उनका सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट था लाहौर का मास्टर प्लान जो है अदालत ने उसके ऊपर स्टे दे दिया है, हम उसके ऊपर तफसीलन बात करेंगे, और फिलहाल क्योंकि ये इवेंट आ गया है, मगर वो इल्ज़ाम लगा रही है अपोजिशन आ गई कि जी 400 अरब रुपए की जो है ना खांचे लगाए जा रहे हैं, तो ये काफ़ी सारे काम हैं जो कि परवेज़ लाई साहब करके जाना चाह रहे होंगे और काफ़ी सारे वज़रा और MPA भी करके जाना चाह रहे होंगे, तो इसलिए भी एक उसकी समझ आती है। दूसरा, आपने वो जो बड़ी अच्छी बात की है कि रेड लाइन वाला इस्टेब्लिशमेंट वाला, मगर एक चीज़ तो है कि इस्टेब्लिशमेंट की भी लिमिटेशंस होती हैं, और हमने ये बाई इलेक्शन में देखा कि उस वक्त गवर्नमेंट भी पंजाब के अंदर जो है PMLN की थी, EDM की थी, और जो है उसके बावजूद जो है इस्टेब्लिशमेंट भी बहुत ज़्यादा इमरान के ख़िलाफ़ थी, मगर वो बाई इलेक्शन में जो है एक हद से ज़्यादा फ़र्क नहीं डाल सके और कुल्लम कुल्ला वहाँ फ़र्क डालने की कोशिश की जा रही थी। दूसरा, एक मैसेज आ रहा है मुझे, खान साहब को पता नहीं ये रेड लाइन्स नज़र आ रही हैं, पर आज एक मैसेज दिया गया है कि कराची में फॉर एग्ज़ाम्पल जो बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं वहाँ फ़ौज की तरफ से ये मैसेज आया है कि जनाब हम अपनी हमारी जो है ना सरहदों पे हम ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्यूटी दे रहे हैं, तो हमें हम नहीं अब प्रोवाइड कर सकेंगे आपको वहाँ पे हर पोलिंग स्टेशन के अंदर एक फ़ौजी खड़ा हो, वो उससे पीछे हटे हैं। ये बड़े अरसे बाद हुआ है कि फ़ौज ने इस बात से अपनी रिलक्टेंस शो की है कि इससे वो गालबन यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि कीप अस आउट ऑफ योर पॉलिटिक्स। तो ये इसके बाद फिर खान साहब की खबरें कई दफ़ा सही भी होती हैं, काफ़ी गलत भी होती हैं, और ये नज़र आ रहा है उनकी तरफ कि उनके पास जो खबरें आ रही हैं उससे अटैक जो एस्टेब्लिशमेंट का तवातर से बढ़ता जा रहा है, फवाद चौधरी का भी, सेकंड टीयर का भी, थर्ड टीयर का भी, उस तरह की बातें करना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल लास्टली मैं मालिक, एक और आपने आगे जो बात की थी कि वो बिल्कुल भी नून लीग वाले नहीं चाहेंगे वक्त से पहले इलेक्शन करना चाहिए, ये समय तहलील भी कर दें, और मेरे ख्याल उनके लिए टफ़ कॉल है। टफ़ कॉल इसलिए है कि अगर वो इस उम्मीद में कि जाहिर है कि थोड़े से हालात बेहतर हो जाएं तो उस वक्त नेशनल इलेक्शन करवाएंगे, मगर ये भी है कि पंजाब के अंदर ये अगर PTI करवा लेती है इलेक्शन और जीत जाता है तो वो भी उनके लिए, उसके भी काफ़ी कॉन्सिक्वेंसेज हैं उनके लिए, आप क्या कहेंगे? आमिर, आपने एक बात की, मैं पहले उस पर टच करना चाहता हूँ, आपने बात की कि जब बाई इलेक्शन हुए तो उसमें इस्टेब्लिशमेंट ने कुछ खुद करने की कोशिश की या नहीं किया, तो वो तो सारे खान साहब ने स्वीप किए। मेरी एक बड़े रेलिवेंट बंदे से इस पे बात हो रही थी, एंड आई आस्क्ड देम कि एक एग्जैक्टली सवाल के यार ये आपने क्या किया, उन्होंने कहा इसलिए कि हमने तो इस पे कोई जोर लगाया ही नहीं, ना हमारा इंटरेस्ट था, एंड आई सेड क्यों, उन्होंने कहा इसलिए कि इसका अभी सिनेरियो में फ़र्क कोई नहीं पड़ता, ये जनरल इलेक्शन तो थे नहीं और जनरल इलेक्शन अभी बड़े दूर हैं, हम अगर यहाँ पे इमरान खान को करके कहीं 5-4-5 हलकों में हरवा भी देते तो हमें उसका फ़ायदा क्या था, हमने एनर्जीज की अपनी लगानी थी, हमारा तो अभी इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें। तो उस पर भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक एनालिसिस और टेक है उस इलेक्शन पे, और दूसरा उन्होंने कहा कि वो इलेक्शन खान साहब खुद ही लड़ रहे थे 7-8 जगहों से,
एंड देयर वाज नो पॉइंट टू मेक, और उसकी एनालिसिस टोटली वो डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं. और जहाँ तक ये बात है कि इनकी इन पे जो प्रेशर होगा, ये विल बी मोर देन हैप्पी कि अगर आप बाप को गिरा दें, आप एमक्यूएम का ज़मीर जगा दें और गवर्नमेंट गिर जाए, इनका तो बयानिया बड़ा अच्छा होगा कि जी हमने रियासत पे सियासत कुर्बान की और सारा गन पड़ेगा एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर. ये किसी भी कीमत पे एग्री नहीं करेंगे, ये बल्कि इस चीज़ पे काउंट कर रहे हैं कि इतनी कॉन्फ्रेंट्रेशन बढ़ जाए, इतने हालात फंस जाएँ कि जो 6 माह की एक्सटेंशन की बार बार बात होती है वो एक सीरियस सोच है और सीरियस पॉसिबिलिटी है. वो खान साहब ऐसे नहीं परेशान हुए, वे बिल्कुल उनकी एनालिसिस और ख़बर दोनों ठीक है. ये बड़ा ही सीरियस ऑप्शन देखा जा रहा है और उनका ख्याल ये है कि अगर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कोई प्रेफरेंस आ जाती है इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलके ओवर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, तो फिर ये 6 माह को खुद ही कवर दिलवाएगी इंस्टीट्यूशन भी और बाकी इदारे भी. और ये एक बड़ा, अभी हम बात करेंगे तो उसको गलत मानी में ना लिया जाए, ये एक बड़ा डू और डाई डिसीजन हो जाना है सबके लिए. तो अभी चीज़ें बहुत फ्लूइड हैं और मेरा ख्याल है शायद इसलिए खान साहब भी किसी भी चीज़ को फाइनल चीज़ों को जल्दी में नहीं करना चाहते, बिकॉज जो अगले 7-8 दिन में खान साहब करेंगे इसका जो एंड रिजल्ट होगा वो अगले 7 माह में हम देखेंगे. ये 7 माह में जो होना है ये अगले 7 दिन की डिसीजंस डायरेक्ट इम्पैक्ट करेंगी और शेप करेंगी. मालिक, वो उसमें बिल्कुल आपकी बात को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए, इस्टेब्लिशमेंट की लिमिटेशंस मैं इसीलिए कह रहा था कि होती हैं कि अगर वो 17-20 का फ़र्क डाल देते हैं 19-20 की बजाय, पर 12, 10 और 20 का फ़र्क नहीं डाला जाता, हमें तारीख पाकिस्तान की यही बताती है. जैसा कि 2002 का इलेक्शन था, उस वक्त मुशर्रफ की गवर्नमेंट थी, रियासत भी अपनी, गवर्नमेंट भी अपनी, फ़ौज भी अपनी, सब कुछ ही अपना तो था, पर वहाँ उस वक्त मेजॉरिटी भी नहीं ले पाए थे और पैट्रियाट्स बनवा के जमाली साहब सिर्फ 1 वोट से प्राइम मिनिस्टर बने थे. और उससे पहले के भी जो जिस तरह बाई इलेक्शंस नून लीग भी जीती उस वक्त, जबकि उनके अगेंस्ट एस्टेब्लिशमेंट थी, तो वो वहाँ भी, वहाँ ओपनली उसमें तो कोई शक ही नहीं कि उनके ख़िलाफ़ भी जब ऊँट की करवट इनकी तरफ थी तो उनके ख़िलाफ़ भी कुछ वो ज़्यादा नहीं कर पाए थे और बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस की कोशिश की गई थी. तो ये वाला है. बाकी मैं समझता हूँ कि वो जो आप बात कर रहे हैं ना, कि वो वाकई इस तरह का जो डर है इमरान खान को कि उनको गिरफ्तारी हो जाए या खुदा न खास्ता और कोई हमला हो जाए, तो उसके लिए जब इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं तो उसमें लोग बहुत ज़्यादा मोबिलाइज हो जाते हैं और एक ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. और खुदा न खास्ता जब इस तरह की मोबिलाइजेशन के अंदर आप देखें, 71 की मैं मिसाल नहीं देना चाहता, और इलेक्शन के बाद और इलेक्शन मोबिलाइज हो जाएं लोग तो वो फिर उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं. दूसरी एक मिसाल जो दी जाती है 1989 में जो कश्मीर के अंदर जो इंफितादा जो इनकलाब आया था या लड़ाई शुरू हुई थी, कश्मीरियों की जंग शुरू हुई थी, जंग आज़ादी की, वो उस वक्त भी इंडिया ने इलेक्शन करवाए थे और उसके रिज़ल्ट उन्होंने नहीं माने थे और उसके अंदर हालांकि हुर्रियत ने शमूलियत इख्तियार की थी मगर वो नहीं माने गए थे और रिक किए गए थे. वहाँ से कश्मीर मूवमेंट दोबारा रिवाइव हुई थी. तो मेरा कहने का मकसद ये है कि खान साहब के भी इस उसमें मंतक समझ आती है कि फौरी तौर पे करवाने में कि इलेक्शन के बाद मूड चेंज हो जाता है. देखिए, सलूशन तो आमिर एक ही है ना, फेयर एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, 5 साल के मैंडेट वाली गवर्नमेंट आए ताकि 2-3 साल सख्त कदम उठाए, गालियां खाए, जो भी हो, और फिर मिटिगेट करके चीज़ें बढ़े. सलूशन तो ये है. अब प्रॉब्लम ये है कि मिसट्रस्ट इतना ज़्यादा है इंस्टीट्यूशन का और खान साहब का, और पावर बैलेंस भी दोनों, एक के पास परसीव्ड पब्लिक सपोर्ट पावर है, दूसरे के पास इंस्टीट्यूशनल पावर है. अब इन दोनों के वे द ट्वेन शैल मीट, दैट इज़ द इशू. अब उन पे, उनको अपनी ताकत का नशा है, इनको पीपल्स पावर का नशा है. क्या ये बैलेंस आउट कर सकेंगे? क्या ये क्लैश होगा? अगर क्लैश होगा, ना मुल्क के लिए अच्छा है, ना इंस्टीट्यूशन के लिए अच्छा है, ना आवाम के लिए अच्छा है. सो हम तो यही दुआ कर सकते हैं कि जितनी ख़तरनाक सिचुएशन हुई भी है, सारे दो दो कदम पीछे लें और अपने मिसट्रस्ट कम करने की कोशिश करें, कुछ बैलेंस आउट करें रिलेशनशिप पर, एंड दे रीथिंक देयर ओन रिलेशनशिप. बड़ा इम्पॉर्टेंट है इस वक्त इंस्टीट्यूशन का और खान साहब का रिलेशनशिप का रीसेट बटन दबना. कौन दबाएगा, कैसे दबेगा, हमें नहीं पता.
लेकिन अगर ये रीसेट बटन ना दबा तो ये काफी एक थिंग्स कैन इजीली गो साउथ। ये मेरा ख्याल है प्रोड्यूसर साहब आज ब्रेक पे ना ही जाया जाए, एक ही दफा ब्रेक प्रोग्राम खत्म इसको कर लेते हैं, ब्रेक आप इकट्ठी ले लीजिए। चलिए फिर मुझे अनाउंस कर लें दे, इस वक्त काफली के एमपीए अम्मार यासिर हैं वो लाहौर पहुंच चुके हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा था कब तक पहुंचेंगे, अम्मार यासिर के बारे में खबर आ चुकी है वो लाहौर पहुंच चुके हैं, बहावलपुर वाले अभी समझ नहीं आया अभी रास्ते में है, वो उनका रिक्शा में पेट्रोल डलवा रहे हैं वो आ रहे हैं। तो ये मालिक इस खबर से ये है कि उनको ये भी उम्मीद है एक आध दिन डिले करने से आज 186 या 87 अगर वो दिखा पाते हैं तो एक दो बढ़ भी सकते हैं। वैसे वो अलहदा बात है कि कई दफ़ा कम भी हो जाते होते हैं, इस दौरान में लोग उठाए भी जाते हैं, कोई बहावलपुर में फंस भी जाता है, तो ये भी एक मौका होता है। मगर मालिक मैं आपके पॉइंट पर दोबारा आना चाहूँगा, बड़ी अच्छी बात की आपने कि रीसेट होने चाहिए एस्टेब्लिशमेंट के और पीटीआई के, जो कि पाकिस्तान की मानना पड़ता है कि सबसे बड़ी पार्टी है, मगर वो कोशिश इमरान खान ने भी शुरू में की, आपको देखा थोड़ा सा जब ये अपॉइंटमेंट हो गई थी उन्होंने अपने से धरना भी ख़त्म कर दिया था, पीछे भी चले गए थे, दो तीन माह इंतज़ार भी किया और उस दौरान में कोई ऐसे तमाम मोहतात गुफ्तगू की जा रही थी, मगर उनको इशारे आ रहे हैं, परवेज लाइन साहब ने तो ओपनली कहा है कि जिनको कहा जा रहा है कि आप सबलियाँ तहलील ना करें, तो वो ये दोनों तरफ से ही ये हो, बाकी आपकी ख्वाहिश है कि सब कुछ हंकी डोरी हो जाए, मगर हालात बदकिस्मती से नज़र नहीं आते कि अच्छी तरफ जा रहे हैं, ना ही इकोनॉमी के, मुझे नहीं समझ आती कि ये 7 माह में ये सोचा जा रहा है, सवाए इसके कि वो अपने केसेस ख़त्म करवा लेंगे, सवाए इसके कि इसहाक डार साहब अपने सासे रिकवर कर लेंगे, इसके अलावा जो है जो मईशत की हालत है, जो सियासत की हालत है, वो मुझे नहीं लगता दिन ब दिन और ख़राब होती जा रही है, वो आप मुझसे ज़्यादा इकोनॉमी समझते हैं कि आने वाले दिनों में जब आटा नहीं होगा, आप गैस की कीमत बढ़ाने जा रहे हैं, ये IMF को खुश करने के लिए 50 रुपये लेवी जो है 32 रुपये से वो करने जा रही है, यहाँ लोगों ने ऑलरेडी बहुत ख़राब होगा, कोई अच्छी खबर नहीं नज़र आती मुझे किसी किस्म की भी, और ये लेटेस्ट जो मैं आपको मुझसे ज़्यादा पता है कि ये इतना जो लुडियाँ डाली जा रही हैं, भंगड़ा डाल रहा है कि जी $9 बिलियन आए, अभी उसकी डिटेल्स आ रही हैं कि पहली बात तो ये है कि ये पैसा जो है ये इससे बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं इम्प्रूव हो सकती, बजटरी के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता, दूसरा उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अभी इसहाक डार साहब ने क्लैरिफाई कर दिया कि 90% इसका ये लोन है, और तीसरा ये है कि ये उन प्रोजेक्ट्स में जाना है, इन काइंड जाना है जहां से वो आएगा, और ये स्टैगर्ड होगा, ये 3 से लेके 7 साल तक लग जाएगा, और कई दफ़ा ये प्लेजेस हैं, ये प्लेजेस कई दफ़ा कम भी हो जाते हैं बायलैटरल खासतौर पर जो हैं उसके अंदर हुआ, तो मुझे कोई इकॉनमी ठीक होती हुई नज़र नहीं आ रही, बल्कि ये सुना जा रहा है कि शायद इसहाक डार को फाइनली उनकी भी छुट्टी हो जाए, पता नहीं छुट्टी तो मुझे समझ नहीं आती, आई डाउट इट वो बिकॉज वो आपको भी रीजंस पता है मुझे ही पता है। देखें ये जो जनीवा की सारी ये बात हो रही एक्साइटमेंट, वो इसलिए है कि ये इसको इस एंगल से देख रहे हैं कि दिस शोज के वर्ल्ड रियलाइजेस के हमारे जेन्युइन प्रॉब्लम्स भी हैं, और ये कि हम डिप्लोमेटिकली आइसोलेटेड नहीं हैं, और ये एक एटीट्यूड देख रहा है कि दुनिया आपसे बात कर रही है, दुनिया आपके साथ पैसे भी देने पे तैयार है, आपसे लगाने पे भी तैयार है, तो ये नहीं है कि दुनिया ने उठा के आपको साइड पे फेंक दिया, ये इसको इस एंगल से देखा, और एक हद तक ठीक भी है, बाकी लोन ये सॉफ्ट टर्म लोन्स हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये रिहेबिलिटेशन के स्पेसिफिक टारगेटेड लोन्स हैं, लेकिन हैविंग सेड दैट इट डज मेक अ बिग डिफरेंस परसेप्शन वाइज, और परसेप्शन भी दुनिया चलती है, जब आप IMF के पास जाते हैं तो क्यों जाते हैं, परसेप्शन के लिए जाते हैं ना, कि IMF के आपने प्रोग्राम कर लिया तो इसका मतलब आपने स्ट्रक्चरल चीज़ें ठीक कर ली हैं, वर्ल्ड बैंक भी देता है, एशियन डेवलपमेंट सारे आपको पैसे खोल देते हैं, सो इसलिए परसेप्शन पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स अ बिग प्लस, बस हैविंग सेड दैट मुझे अब आमिर यह लगता है कि इन्होंने फैसला कर लिया हुआ है कि हमने इलेक्शन अक्टूबर में भी नहीं होने और हमें 6 माह और हमने लेने ही लेने, तो ये अपना टर्म देख रहे हैं 6 माह की नहीं, ये अगस्त तक नहीं देख रहे, ये अपनी टर्म देख रहे हैं नेक्स्ट 12 मंथ्स, 1 साल के अंदर बहरहाल कुछ चीज़ें हो सकती हैं। वो जो आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कानूनी आईनी जो है ना रुकावटें जो हैं इतना आसान नहीं है कि 6 महीने वाली वो जो इमरजेंसी क्लॉजेज हैं वो बड़ी कोर्ट से मेरा ख्याल है वो फारिग हो जाएंगे अगर कोशिश भी की जाएगी तो। मुझे एक बात बताएं आमिर, मैं सवाल करता हूँ,
वो ज्यादा मुश्किल है कि 5 साल इमरान खान जीत जाए, इमरान खान वजीर आजम हो और ये 5 साल अपोजिशन में हो, कौन सी चीज ज्यादा मुश्किल है, इमरान खान की गवर्नमेंट के नीचे इनका जीना या 6 महीने पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेंगे तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, पर मैं खबर दे दूं आपको कि जो मैंने ये कहा था इमकान का डार साहब के, वो आखिरी इतला आई थी कि मिफ्ता इस्माइल जो है बरी इमाम में दुआएं मांगते हुए सुने गए थे, तो मेरी वहां से मुझे शक पड़ा कि शायद वाकई इस तरह की बात बन गई है। बरी इमाम के, बरी इमाम को जो संभालते हैं वो डार साहब से बहुत करीब है, तो वहां उनकी दुआएं पहुंचनी भी नहीं, मिफ्ता साहब की दुआएं जमीन से टेक ऑफ भी नहीं करेंगी वहां खड़े भी, आप यकीन माने वो दुआएं नहीं, वहां दुआ के लिए भी गए हैं लोगों को, है कि बीच में डाला गया है कि उनका ख्याल है कि डार साहब वहीं से अपनी स्ट्रेंथ ड्रॉ करते हैं, तो वो पीछे से ही जो है ना, फिर आपको पता ये जंग खुली हो चुकी है, आखिरी मिनट है मेरे पास, आखिरी मिनट है क्विकली। नहीं, आई थिंक फॉर द टाइम बीइंग ऑप्शन नहीं है, बिकॉज फैमिली के बड़े इश्यूज अभी आउटस्टैंडिंग है और पंजाब के अंदर इनके पास बंदा भी नहीं है। मैंने शुरू में आपको कहा था, कन्वे कर दिया गया है इनको कि प्लीज शरीफ फैमिली का कोई बंदा आप सीएम लाने की कोशिश ना करें, और ये इनको सीरियसली कन्वे हुआ है। तो पीएमएलएन के काफी प्रॉब्लम है, ऐसा डार साहब अभी थोड़ा सा लेसर प्रॉब्लम है उनके लिए। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे फिर? बाब, ये आपकी ख्वाहिशें, खासतौर पर हमारी भी यही ख्वाहिशें हैं कि ये जो पंजाब में और बाकी पाकिस्तान में जो ये गैर यकीनी है, इसी एंड पे हम खत्म प्रोग्राम करना चाहेंगे कि किसी तरीके से ख़त्म हो जाए, क्योंकि लोगों के बहुत सीरियस मसले हैं। आटा ख़ासतौर पर जो नहीं मिल रहा, उससे पूरी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मुसीबत है, इन मसाइल का हल होना चाहिए, ये माल लड़ाई मार कुटाई बंद। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर साहब का। मोहम्मद मालिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमारे रिपोर्टर लाहौर से शम्स नवीद भट्टी मौजूद थे, तमाम का शुक्रिया। किसी भी सूरत में जो तब्दीली किसी भी शक्ल में आए, वो पाकिस्तान के लिए और ख़ासतौर पर हमारे मुल्क के लिए इस्तेहकाम का बायस बनना चाहिए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।